कौनो के दुई गो मुड़ी बा, कौनो के एक गो ना बा, कौनो के चार गो हाथ बा, कौनो के डेढ़ गो ना बा, कौनो के दुई गो टांग बा, कौनो के डेढ़ गो ना बा। जौनन के डेढ़ गो रहे उ टपा टप खूब चलत हरी खान। आई दादा सब लोग से तमाशा देखा था। भगवान भोलेनाथ के पास देव ऋषि नारद पहुंचले, कहले हे बहू, अरे अब कोई तो कोई दी हली, अगर हमार बात ही ना मनबो तो आज के बाद जिंदगी भर रानुहे रही जाएगा। बियाह हुआ हो ही वही नहीं। भगवान कहले रे ससुराली में आई रही, तनी सा मजाक करे का, तनी सा मजाक करे का। नारद जी कहले हे महाराज, इतना मजाक कर जा वही कम में बा, कहना बात के तने सा। अब तवले नारद भगवान से कहले, तन ये काम करा नौनिया उठरगेवा लेके आवत जा, कोई तो हथवा बढ़ा ले हमरे ओर जा, और जल्दी से ओके दे दे मेघ चार ओकरे बाद अपन रूप बदल ले। सबके घबरा हट मचल बा, सब घबरा हट में बा, इतनी बढ़िया लड़की के इतना खराब दुल्हा बा, बियाह ना हुई। सबकी सहेल और परेशान हो गई है। वो समय माई गिरजा भी अपने मन में मन सोचती है कि सारा मेहनत डाल हो जाइय, सारा मेहनत डाल हो जाई भगवान अगर रूप ना बदलबा। सब लोग भगवान भोलेनाथ के वो याद ना करत बा, सब बुराई पर तैयारी बनौले बा। कि लड़की तो बड़ा सुघर मुघर बा, आई दुल्हा नीक सनको नाई बा, एकदम घोभरा हवा पास बा। ओ बिजोन बा, नारद भगवान कहिया कहले ये ठकुरा आई कहली का नारायण नारायण नारायण। अरे भगवान आई रहो, भगवान आई रहो, चल के जल्दी से कुछ दे थे ले ला। नाउन हाथ थरिया थम हो ले, अच्छा अच्छा देनी पहुंचन। अरे भगवान हथवे में दे दा। भगवान कहे ये महाराज, एक हाथ में लेबू तो सबके देख न जाई, अगर दोनों हाथ में लेबू तो काम बन जाई, धीरे से के लेके चरवाला जनता हो मेहरारू के गजबे थैली होला। ओए मनवाल मारी, अब जोर में नौनिया हाथ फैलौले बा, भगवान धीरे से ये को नचोई के और ये हाथे में दे दी हलम। कले महाराज जी का कहना हीरा के पुस्त खैबू, के पुस्त हीरा खैबू। दुनिया कहले आज हमार तकदीर खुल गई, साक्षात भगवान आ गई, हीरा दे दी हलम, और लप पसनी ली हलम, गप से बेलौजी में, और बेलौजी में जब डाल ली हल है मोबाइलवा वही रहला बीस बैंक में। हे हमार मोबाइल, हे हमार बाप रे बाप, थरिया लेके कनकन गनगन कापत जा। तबले तो गौरा के मस्तारी चल्ली परिचय बदे, उ तो बेचारी बेहोश हो गई। नौनिया कहले बेलौजिया में जब हीरा धैली तो हीरावा कैसे रेंगता, हीरा कैसे रेंगता। अरे बाप रे बाप, हीरा तो कीड़ा बन गई, और धीरे धीरे बेलौजी में से पेटकोटे में उतर गई। नौनिया एक हाथ थरिया पकड़ ले बा, कब पसनी है मूरी पकड़ ले, और चला ली भाग नौका पीछे पीछे दौड़ाता। अरे रुक, लुगवा छूट के गिर जाते हैं। जिंदगी भर जजमानी कैली, हमार के दिन पलटल नाई, साक्षात भगवान अइलन। कौनो चिद्दी हलत तू अब ही घर में लुकवा के जाती है। अरे चल जल्दी से दिया धरावत है, अरे खोल जा कितनी भारी हीरा देले हो रे। नौनिया कले ए मुंह फुकनाए हर जीव जाता तो के हीरा लौकता, हीरा लौकता। अब तोले भाग के घर में गई, घर में भाग के गई बाबू हो लुक्का साड़ी जौन बा छोड़ के फेंकत गया नौका जौन बा दिया धरावत। जब देखल लप 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 हीरा निकल ता कीड़ा बन के नौका देखल न ई बियाह रहल। अब जौन बा हर तो परेशानी मचले बा, के हर माई गिर जा एक माछी का रूप बना के
भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचली पर भन भनाती है। अरे भगवान 12 बरस तपस्या कैले है तुहके पावे बदे का लीला रचले बाड़ अब मजाक कम से कम ही पूरा कैल हटाओ सुवर्ण रूप बनाओ कि हमार तुहार विवाह हो जा हमार तपस्या पूरा हो जा। भगवान कहला पुत्र तुहार मानी लिहली माई गिरजा कहली हे भगवान जब ये रूप में यहाँ आईला तो तुहरे का बा हमारे कोठाए तारी कुल बा हमारे हाथी घोड़ा कुल बा अरे कौनो चीज का हमारे कमी नाई बा। माई गिरजा कहली तब तो हम खूब आराम न भोग जवन बा भगवान भोलेनाथ बहुत बढ़िया सुबिरन रूप बनौल माई गिरजा के साथ विवाह हो गई कैलाश पे लेके आ गई। जब कैलाश पे आई ना तो माई गिरजा जब देखली भगवान भोलेनाथ का धन दौलत कोठा या तारी तो माथा पीटे लगली